हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की। BCG आज भी इसके अंदर अपर सर्किट लग गया और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर न्यूज़ भी आ रही है। सबसे पहले तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही शेयर मार्केट की जेन्युइन और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। आज इसके अंदर अभी देखें तो ये अपर सर्किट लगा है और कुछ बैड न्यूज़ भी थी, उसके बावजूद भी इसके अंदर अपर सर्किट लगा है। तो वो सब उसके बारे में जानेंगे, ये कितना इसके अंदर जो है तेज़ी आ सकती है और कितना गिरावट आ सकती है और रिस्क क्या है, सभी चीज़ें जो है हम देखेंगे और न्यूज़ क्या है खास करके वो भी हम देखेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ। जैसे कि सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं तो आप मेरे शॉर्ट वीडियोस भी ज़रूर देखें, जो कि ये काइनास टेक्नोलॉजी है, 3 महीने पहले जब है इसके जब 900 रुपये के करीब था तब हमने जो है इसके ऊपर वीडियो बनाया था। और आप तारीख यहाँ पर देख सकते हैं 20 फरवरी, और आज इसका प्राइस ज़रा देखिए, ये यहीं पर है 20 फरवरी को हमने शेयर किया था। और आज इसका प्राइस ज़रा देखिए, 70% तक के रिटर्न इसने दिए। साथ ही साथ ये दूसरा शेयर जैसे कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसके अंदर भी देखिए तो ये अभी 30 मई को, यानी कि पिछले महीने अभी 15 दिन पहले ही जो है शेयर किया था, 700 के ऊपर था, यहाँ पर हमने शेयर किया था। और इसका प्राइस ज़रा देखिए, इसके अंदर भी 30% के आसपास के रिटर्न। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर ले जो भी लोग नए हैं। लिंक लिमिटेड, इस शेयर को ज़रा देखिए, 3 महीने पहले 550 रुपये के ऊपर था, तब शेयर किया था, और इसने जो है यहाँ पर अभी देखे तो 800 रुपये के आसपास का अभी हाई बनाया पिछले हफ्ते, मतलब कि इसके अंदर भी 50% तक के रिटर्न। तो यार सब्सक्राइब जरूर कर ले, हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। और साथ ही साथ चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और ज़रूर कीजिए, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जो आपके जितने भी शेयर मार्केट ग्रुप है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। यहाँ पर अभी देखे तो कई लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि जैसे कि ये ब्राइटकॉम के शेयर्स हैं उनको मतलब कि कंटिन्यू टू राइज, हिट अपर सर्किट, इवन से भी लिविस 40 लाख फाइन। तो इनके जो प्रमोटर हैं उनके ऊपर जो है 40 लाख के आसपास का जो है एक जुर्माना लगा, और वो क्यों लगा वो भी ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो कुछ इसके रूल होते हैं, इसने जो है इनसाइडर ट्रेडिंग आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि की थी कि जब इसका कुछ रिजल्ट आने वाला था तब जो है इसके प्रमोटर्स जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त में जो है कुछ इसके अंदर हो सकता है कि ये बाय मिस्टेक किया हो या फिर किसी भी वजह से, मतलब ये टेक्निकल इशू हो सकता है, तो एक मतलब कि थोड़ा सा ट्रेडिंग किया था उस वजह से जो है सेबी ने इसके ऊपर जो है फाइन लगाया है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये फाइन कितना लगाया है। तो ये आप देख यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन है कि ये 12 लाख का जो फाइन है, गीता कंचना यहाँ पर जो है सबके नाम लिखे है उसका 12 लाख का फाइन, साथ ही साथ इन 6-6 लाख का फाइन इन सबको जो है लगाया, और 5 लाख का फाइन इनको लगाया है। तो मतलब कि ये सारे के सारे इसके नाम हैं, इनके प्रमोटर्स के या प्रमोटर ग्रुप्स के। तो तकरीबन टोटल अगर देखें तो 40 लाख के आसपास का फाइन लगाया है, एक बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। और इसके अंदर आज फिर भी अगर देखें, और साथ ही साथ इनके प्रमोटर्स ने और ग्रुप ने जो है पूरा यहाँ पर सेबी को ये एक पत्र भी लिखा और एक भरोसा दिलाया है कि हम जो भी लीगल एक्शन होंगे उसके ऊपर जो है हम आपका साथ देंगे, और यहाँ पर जो है जितने भी ये इश्यूज है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और आगे यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है, और इसके लिए कुछ आने वाले समय में इसके प्रॉफिट ग्रोथ जो है, रेवेन्यू ग्रोथ कितना रह सकता है और जो कितना ग्रोथ रह सकता है उसके बारे में यहाँ पर डेटा है। ये मतलब कि एक पॉसिबिलिटी, एक अनुमान है यहाँ पर, ये ऑन द एनालिसिस की जो है उन्होंने यहाँ पर एक बेसिस के ऊपर बताया है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी वही चीज़ है कि एक जो ग्रेटर क्लियरिटी है उसके जरिए जो है इसके अंदर इनके सारे प्रमोटर्स ने जो एक आश्वासन दिया है सेबी को कि हम जो है आपकी जो भी ये प्रोसेस होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने खुद लिखा है कि अर्लियर दिस मंथ, महीने की शुरुआत में, द कंपनी ऑल्सो इश्यूड लेंथली क्लैरिफिकेशन ऑन इस अकाउंट इन प्रोसीड्यूशियर रिपोर्टिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड अदर इश्यूज, और वी आर एक्टिवली रिफाइनिंग अवर रिपोर्टिंग टू एंश्योर ग्रेटर क्लैरिटी एंड ग्रेन्युइटी टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स द कंपनी स्टेटेड इन एक्सचेंज फाइलिंग। तो एक्सचेंज को जो है ये एक इसने लेटर लिखा था महीने की शुरुआत में ही कि हम जो है आपको जो पूरा साथ देंगे ये जो भी यहाँ पर जो है ये इशू है इसको सोल्व करने के लिए। और यहाँ पर अभी देखें तो आगे की रिपोर्ट है कि जैसे कि ये अभी जो है स्टेज 4 में, अभी ASM की लिस्ट की अगर बात करें तो ASM स्टेज 4 के अंदर ये जो है अभी आ गया है। साथ ही साथ ये किस तरीके की है आता है ASM में, तो ये सारे का सारा जो है इसके अंदर बताया गया है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्यों ASM के लिस्ट में शेयर आता है और किस तरीके से जो है इसका स्टेज बढ़ता है और घटता है वो यहाँ पर बताया गया है। तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि इंक्लूड इसके अंदर जो होता है हाई लो वेरिएंट होते हैं, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएंट, और एवरेज डेली वॉल्यूम होते हैं, और मंथली, और यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग यानी कि पी रेशियो, ये सबका जो है मिलाकर यहाँ ASM की लिस्ट के अंदर जो है ये ऊपर या नीचे यहाँ पर किया जा सकता है, मतलब कि एक फैसला लेते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के ऊपर। अभी देखें तो इसके अंदर ये स्टेज 4 के ऊपर है नंबर, मतलब कि यहाँ पर स्टेज की मैं बात कर रहा था कि ASM के स्टेज 4 के ऊपर है, और ये जो है
थोड़ा सा जो है कि यहाँ पर एक मतलब कि रिस्क अभी यहाँ पर हो सकता है नए इन्वेस्टर के लिए। अभी आज के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी और वो भी 38%, और बायर्स और सेलर्स कितने हैं वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 67 लाख के आसपास जो है बायर्स खड़े हैं अभी भी, और उसमें भी ये अपर प्राइस के आसपास प्राइस बैंड के ऊपर जो है 27 लाख के आसपास जो है बायर्स खड़े हैं। साथ ही साथ अब इसके जो है चार्ट के ऊपर खास करके चर्चा कर लेते हैं, तो अब यही जो चीज़ है खास करके देखना बनता है कि इसका प्राइस जो है कितना ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर 27 रुपये 30 पैसे अभी इसका प्राइस है और आज इसके अंदर जो है गिरावट भी अच्छी खासी रही, 24 रुपये और 70 पैसे का इसने लो बनाया, उसके बाद वापस से इसके अंदर जो है तेज़ी रही, तो 10% के आसपास की इसके अंदर मूवमेंट आज रही। और ये 15 मिनट का चार्ट देखे तो इसके अंदर आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर अभी देखे तो अगर दिन की शुरुआत करें तो ये अच्छा, यहाँ पर अगर देखे तो खुला तो ऊपर के लेवल के आसपास, मतलब कि ऊपर के लेवल के आसपास था, उसके बाद गिरावट आई, फिर से इसके अंदर जो है तेज़ी देखने को मिली, तो प्राइस के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ बनी हुई है। और इसके डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले तो RSI को हम देख लेते हैं, तो ये 85 के आसपास है, 84-85, तो ये ओवरबॉट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद ये इसके अंदर तेज़ी जो है नहीं आ सकती, ये 90 तक भी जा सकता है, लेकिन हाँ खतरा रहता है, एक रिस्क रहता है इस लेवल के आसपास। अभी देखें तो इसका बोलिंगजर बैंड हम देख लेते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ये भी अभी देखें तो ऊपरी लाइन के आसपास जो है अभी ये बना हुआ है, ऊपरी लाइन को टच करते करते ये ऊपर निकल रहा है, लेकिन ये ऐसा जो है टाइम ज़्यादातर नहीं बना रहता, कभी कभार मतलब कि इसे जब भी ये ऊपरी लाइन को टच किया हुआ होता है तो एक थोड़ा सा या प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन होना जो है लाजमी है, एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था आप देख सकते हैं, जैसे ही ऊपरी लाइन को टच किया और थोड़ा सा नीचे आया और ये थोड़ा मतलब कि 10-15% के आसपास की इसके अंदर गिरावट आई थी। और ये इसका वीकली चार्ट है, अब ये प्राइस इसका जो मेजर रेजिस्टेंट कहाँ पर है वो आप ज़रूर देख लीजिए, तो यह इसके अंदर जब गिरावट आ रही थी तो यहाँ पर आप देखिए एक तगड़ा सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ पर भी एक तगड़ा सपोर्ट लिया था, और ये प्राइस जो है ये प्राइस है यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है 30 रुपये के आसपास का, और ये हो सकता है कि 2 ही दिन में अगर ये अपर सर्किट कंटिन्यू रहे तो ये जो है प्राइस आ सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको जो है एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इसका एक और यहाँ पर टेक्निकल लेवल के ऊपर ये 30 रुपये का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंट, ऐसे रेजिस्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर इसका बोलिंगजर बैंड की अगर अपर ब्रांड को देखें तो वो भी जो है 29.5 रुपये है, ये जो ऊपरी लाइन है वो भी 30 रुपये के आसपास है, तो एक ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये अगर इसको टकराता है तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है करेक्शन आ सकता है, और करेक्शन कितना आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, हो सकता है 10-15% के आसपास का करेक्शन आए, 30 रुपये 31 रुपये को जब ये टकराएगा। तो ये अभी देखे तो इसका रेजिस्टेंट देखे अब देख लिया हमने, अब सपोर्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो अभी करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी अगर देखे तो सबसे पहला सपोर्ट 25 रुपये यहाँ पर इन द शॉर्ट टर्म में दिख रहा है, उसके बाद देखे तो 24 रुपये का जोन जो कि आज इसने लो बनाया है, तो दो अभी जो है ये अभी शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ इसलिए जो है ये सपोर्ट दिख रहे हैं, बाकी अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म की बात करें 15-30 दिन की तो 22 रुपये और 20 रुपये का जो जोन है ये अगर देखे तो अच्छा खासा यहाँ पर भी सपोर्ट है इसका, बाकी शॉर्ट टर्म का सपोर्ट ये है। और रेजिस्टेंट की बात करें तो 30 रुपये से लेकर 31 और 32 रुपये का जो जोन है ये तीनों अगर देखें, सबसे पहला रेजिस्टेंट तो 30 रुपये ही है, उसके बाद देखें तो 31 से 32 रुपये, ये तीनों ही जो है शॉर्ट टर्म इसके लिए एक रेजिस्टेंट है। अगर ये इसको पार करता है जिसकी संभावना काफ़ी कम दिख रही है इन द शॉर्ट टर्म, अगर ये इन तीनों लेवल को टकराएगा आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, उसके बाद इसके अगर तेज़ी आनी है तो आ सकती है, बाकी एकदम से मतलब क्योंकि आप देख सकते हैं कि RSI ऑलरेडी जो 85 के आसपास है, अगर ये सीधा सीधा यहाँ पर जाएगा तो 90 तक जो है इस RSI चला जाएगा, तो वहाँ से थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन होना एक लाजमी है, एक हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि एक थोड़ा सा करेक्शन या एक मतलब कि कंसोलिडेशन हो, तो आप ये अगर इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं या नई बाइंग करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे जो है एक मतलब कि जो पॉइंट्स है आप इसको जो है एक अच्छे से पहले तो एक कंसीडर कर सकते हैं, एक देख सकते हैं सारे के सारे पॉइंट्स को, और उसके बाद ही कोई जो है डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पर आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले, और अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला तो इसके ऊपर हम डेली अपडेट लाते रहेंगे, अदानी ग्रुप्स के जो है पूरे के सारे शेयर जो है उसके ऊपर हम डेली अपडेट लाते रहते हैं, तो अगर आप उसके अंदर होल्डिंग है तो आप ज़रूर वो सारे के सारे वीडियोज़ देखें, एक बार हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।